नमस्कार, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शिप्रा नदी इस वक्त मेरी दाहिनी तरफ बह रही है, उत्तरदायिनी ये नदी, जिसके आगमन के लिए दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में इस बार ये उठ रहा है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। 15 सालों का शासन है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार जबरदस्त टक्कर मध्य प्रदेश में देती हुई नजर आ रही है। तो क्या 15 सालों का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा? क्या कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी या चौथी बार भी मध्य प्रदेश में बनेगी शिवराज सिंह की सरकार? उज्जैन में हमारी मौजूदगी है, यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। जोरदार तालियां खुद के लिए एक बार। यहाँ के लोग अपने अपने सवालों के साथ तैयार हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में नेता होंगे मंच पर, जिनसे हम सीधा जवाब लेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहां पर आज मौजूदगी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ जहां राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला किया, तो वहीं नोटबंदी को विकास से जोड़ते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर करारा वार हुआ है और इसके जरिए एक बार फिर से 2019 में बनेगी बीजेपी की सरकार। सुनिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे पीएम मोदी ने सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लिया। राफेल का जिक्र कर राहुल गांधी अपनी हर सभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में दिया है। जो माँ बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पे घूम रहे हैं, वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, नोटबंदी का हिसाब मांगते हैं। अरे नोटबंदी का कारण ही था कि फर्जी कंपनियां पकड़ी गई, और फर्जी कंपनियां पकड़ी गई उसी के कारण तो आपका कारोबार पकड़ा गया, और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा। ये नोटबंदी के कारण आपको जमानत लेनी पड़ी, ये आप भूल क्यों जाते हो? भ्रष्टाचार पर कांग्रेस अध्यक्ष को घेरने के लिए पीएम ने एक बार फिर उन्हीं के पिता के एक चर्चित बयान का सहारा लिया। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री, एक परिवार के तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां तो सब कुछ परिवार के लिए ही है, वो तीसरी पीढ़ी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? ये नोटबंदी ने उन 85 पैसों को बाहर निकाला है, जो उनके पिताजी कह के गए थे उनको बाहर निकालने का काम किया है। चुनावों में लगातार जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी को इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन पीएम ने कांग्रेस के युद्ध कौशल पर ही सवाल उठा दिए। तेज गति से विकास, चारों तरफ विकास, सब दूर विकास, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के हम चले, और इसलिए हमारे विरोधी दलों को ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कैसे करें। बिलासपुर में पीएम मोदी ने विकास और सिर्फ विकास का नारा दिया, तो बुलेट को बैलेट से मात देने के लिए उन 18 विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तारीफ की जहां पहले चरण में चुनाव हुए। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में जमकर गर्जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको यह भी बताते चले, छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर 2014 में बीजेपी ने कब्जा किया था। उज्जैन में हमारी मौजूदगी है, उज्जैन की जनता के सवाल जवाब होंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन नोटबंदी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, ये बताइए नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार वास्तव में कम हुआ है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार कम तो हुआ है, और इससे काला धन जो आना था वो अस्पष्ट कम आया, लेकिन काला धन आया है। काला धन आया है बाहर। 15 लाख कहाँ है? इनकम टैक्स पे जो कम थे वो बढ़े हुए हैं अभी आज की तारीख में। अच्छा, बढ़े हुए हैं, ये कह रहे हैं काला धन वापस आ गया है। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ कि इन 4 साल में नोटबंदी के दौरान क्या हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर के आय वाले 60% की वृद्धि हो गई है। जीडीपी आज की तारीख में 10 वर्ष की अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति पे जीडीपी आज की तारीख में है। आप ये मानिए लगभग 80% लोग
इनकम टैक्स फाइल करने वाले बड़े हैं, निश्चित अच्छा काम हुआ है कि बुरा काम हुआ है? निश्चित मैं आंकड़े दे रहा हूँ, इससे समझ में आ रहा है कि अच्छा काम हुआ, अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, नोटबंदी से बहुत अच्छा काम हुआ और उसका पूरा फायदा लेंगे प्रधानमंत्री। नोटबंदी जब चालू करी थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अगर ये डिसीजन गलत हो तो जहां भी चौराया होगा वहां पर मुझे जूते मारना, और आप देख रहे हैं कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है नोटबंदी से, कोई फायदा नहीं हुआ, आप भी इस बात को मान रहे हैं? बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी के बाद आम आदमी के जीवन की कठिनाइयां। मध्य प्रदेश के चुनाव में नोटबंदी मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है मुद्दा, बिल्कुल है, नोटबंदी के मुद्दे पे ये सरकार हारेगी, बिल्कुल हारेगी, नोटबंदी पे सरकार हार जाएगी, खड़े हो जाइए, आप कह रहे हैं कि नहीं हारेगी, नोटबंदी पर सरकार हार जाएगी, वो बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद सरकार बनी तो कैसे हार जाएंगे, जब वो यूपी में सरकार बना सकते हैं योगी जी नोटबंदी के बाद? तो नोटबंदी पर 325 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, बताइए कौन जवाब? आप ही बोल रहे थे ना, वो कहना है कि जब 325 वहां आ सकती हैं तो फिर यहां पर भी नोटबंदी के मुद्दे पर ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में किन कारणों से सरकार आई वो सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के विषय बहुत अलग हैं। 15 साल धर्म की राजनीति करते हैं, ये देखिए शिप्रा की हालत, महाकाल की हालत, धर्म की राजनीति करते हैं लेकिन शिप्रा की नदी इस वक्त बिल्कुल साफ नहीं है, आप ये कहना है? बिल्कुल शिप्रा साफ नहीं, और करोड़ों रुपए शिप्रा के नाम पे खा गए, करोड़ों रुपए, अभी सिंहस्थ के अंदर छिपरा योजना वगैरह आई उसमें करोड़ों रुपया सरकार। सिंहस्थ का मेला भी यही लगता है, रामघाट का ये पूरा का पूरा इलाका जो हमारे दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन फिर हुआ क्या? अगर जिस रामघाट पर हमारी मौजूदगी है वहां पर नदी इतनी काली तो फिर क्या किया गया है बीजेपी की सरकार की ओर से? अरे बीजेपी की सरकार ने 90 करोड़ रुपया खान नदी को रोकने के नाम पे एक नहर बनाई और पूरा पूरा पैसा डकार गया। आप अभी आपके सामने शिप्रा नदी की हालत है कि कैसा ये पानी है, 5 मन लायक नहीं है। ये जल कहाँ से लेकर आए हैं? ये छिपरा नदी का नल है, वो 500 करोड़ रुपए शिवराज जी ने बोला था और आज ये नदी 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाद भी पानी देख लीजिए पीने लायक नहीं है, वो किस तरह यहाँ पर सुधार। चाहूंगे हमारे कैमरा पर्सन सुजीत जरा इधर आए, ये देखिए पानी लेकर आए हुए हैं एक दर्शक, और इनका ये कहना है कि कितना गंदा और इसके नीचे क्या जमा हुआ है? ये गंदगी है, काई है, वो कितने हजारों मछलियां मर गई हैं यहाँ, वो जो श्रद्धालु आते हैं। देखिए छिपरा नदी का ये पानी है, नीचे काई जमी हुई है और ये पानी पूरी तरह से गंदा दिख रहा है, ये देखिए इतना गंदा पानी, खड़े हो जाए, इतना गंदा पानी आप देंगे यहाँ पर भक्तों को आचमन? ये तो कल भी एक डिबेट में दूसरे नाले का पानी भर के लाए थे और आज आज आप जाए आप जाए नाले का पानी है, नाले का ये पिलाओ इनको, ये पिलाओ, वो तो कह रहे हैं नाले का पानी, आप भरवा के मंगवाओ साँच को, आज क्या आप नाले का पानी ले? यहाँ का पानी है ये 500 करोड़ रुपए का पानी है, लेकिन यहाँ से तो देखिए यहाँ से गंदगी तो सामने दिख रही है ना, यहाँ से गंदगी तो सामने दिख रही है। आप आपके आदमी को पहुँचाएं, कर्मचारी को पहुँचाएं, पानी कैसा है ये मालूम पड़ जाएगा, ये तो ऐसे इनकी नौटंकी करते। पानी साफ है क्या? पानी साफ आवे और पानी साफ नहीं होगा तो मैं पानी पी के बता दूंगा। और क्या आप क्या रहे हैं इनको बताए पानी पी के बता? पानी पिएंगे पानी, वो कह रहे पानी पिए। 432 करोड़ रुपए की योजना थी, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक लोटा नर्मदा से लाए और नर्मदा मैया का पानी मिला है, उज्जैन की जनता को गुमराह किया। 432 करोड़ रुपए पूरे मध्य प्रदेश की सरकार खा गई है और सिंहस्थ में 3.5 कुछ किया नहीं आप लोगों ने, कुछ किया नहीं। इस योजना पे दिग्विजय सिंह ने ऑफिशियली कहा था कि ये योजना असंभव, ये पानी आ गया देखिए कुछ लोग आराम से ये पानी साफ है गंदा, इधर लेकर आइए उनको बुलाइए पानी चाहे उनको बुलाइए। ये इंदौर का 35 लाख की जो आबादी है इंदौर शहर की, वहां का मलमूत्र का पानी है ये, इसमें मलमूत्र खान नदी है, इंदौर 100 करोड़ रुपया खान नदी का खा गए, 400 करोड़ पूरा मोक्ष दायनी तो है लेकिन साफ सफाई नहीं होगी तो हाल यही होगा। इनको डूब मरना चाहिए इसी पानी में, जो शिप्रा मैया हमारे यहाँ की मैया है, माँ शिप्रा का अपमान कर रहे हैं और ये भी एक पार्षद है। इंदौर का मलमूत्र पानी आ रहा है इसमें, ये काला पानी क्यों हुआ? काला पानी क्यों हुआ सवाल तो ये एक केमिकल का, इंदौर में एक केमिकल का टैंकर, दो जनों ने उस टैंकर को उधेल दिया, उसके कारण ये पानी काला, पानी इस वजह से साल पहले ऐसा क्यों किया? एक साल पहले का टैंकर गिरा था वो, एक साल पहले इंदौर का मलमूत्र मिला रही है भाजपा सरकार, यह जनता छोड़ेगी? भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे ये अपनी माँ को यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये
बलमूत्र का पानी है। माँ शिप्रा को हम अपनी माँ मानते हैं, जिसके लिए हम माँ तो मानना सही बात है, माँ मानना तो सही बात है, लेकिन माँ की सफाई साफ सुथरा बनाना तो आपका ही फर्ज है ना। वो देखिए कितना काला पानी है, कितनी गंदगी सामने दिख रही है आंखों की। देखो उसमें जितने हिंदू धर्म के लोग हैं उन सबका फर्ज है। आप हिंदू होते हुए ये शब्द बोल रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है इस माँ के लिए कुछ करने का। हम यहाँ के वो है हम क्या है। नहीं 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 आराम से, चोर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। ये बताइए आराम से नहीं है। आप 17 नालों का, बड़े बड़े नालों का पानी गंदा, 90 करोड़ रुपए की योजना थी खान नदी का डाइवर्ट करने के लिए। पारस जैन यहाँ का तत्कालीन जो मंत्री था, 40 करोड़ रुपए उसकी जांच चल रही है उन्होंने। अरे वो तो ऊर्जा मंत्री अभी भी है ना। हाँ है ना, अब थोड़ी अभी तो आचार से वो उनसे ऊर्जा नहीं आ रही है यहाँ पर। नहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार करा 25 साल से। वो 5 बार कैसे जीत गए यहाँ से, 5 बार 7 बार चुनाव लड़े, 5 बार कैसे जीत। झूठ बोल के झूठ जनता को गुमराह करके झूठे पूरे देश भर में झूठे। आप लोग क्यों नहीं जीत रहे हैं फिर, आप कह रहे हैं वो झूठ बोलकर जीत रहे हैं, जनता वास्तव में गुमराह हो रही है। जीतेंगे इस बार जरूर जीतेंगे। वो जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जन को हटा के रहेंगे, हम बचा देंगे इस बार, हटा शिप्रा नदी को। ये आ गया, ये आप 50,000 से पारस जैन को जितवा रहे हैं, लेकिन यहाँ का हाल तो देखिए, कम से कम इस पर तो बात करें, मुद्दों पर तो हम बात करें। शिप्रा नदी सामने है, ठीक है। पीछे से आइए, कौन बोल रहा था 50,000। पार्टी पारस जैन के खिलाफ है और अंदरूनी तौर पे सेबोटेशन हो रहा है, संघ उनके खिलाफ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ पर आपको बता दें, जहाँ उज्जैन में हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें कुल यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और 7 पर बीजेपी का कब्जा है। उत्तर से दक्षिण में तो यहाँ पर कांग्रेस आई नहीं, 15 सालों से वो जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस आई, अभी 15 साल से झूठ बोल के जोर से बोल के जीते थे। अब देखिए सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि इनका जो मंत्री है वो जनसंपर्क में नहीं निकल रहा है, वो एक भी उत्तर का यहाँ पर इनके साथ एक भी नहीं आया। वो ये यहाँ से सोनू गहलोत जी को पहुँचाया, वो खुद नहीं आए। चाहूंगी जरा बैठ जाइए। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे। 50,000 से कैसे जीतेंगे, क्या किया है उन्होंने 50,000, कौन सा, अरे जहां हम खड़े हैं वहां काम देखने रहे, आपका काम किया नाम मैडम। आज आप देखे उज्जैन, पहले उज्जैन आप आते थे, सिंहस्थ के पहले भी आप आए होंगे और आज सिंहस्थ के बाद आए। आपने देखा इतने ब्रिज बनाए, इतनी सड़कें बनाई है, रोड चौड़ीकरण करा है क्या, और उसके बाद जहाँ पर इतना बड़ा मेला लगता है, यहाँ का सौंदर्यीकरण भी तो किया होता ना, सौंदर्यीकरण पानी तो साफ किया, रोड नाली गटर से विकास होता। उज्जैन नगर निगम के सारे पार्षद रोड नाली गटर बनाते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उज्जैन की मिलें बंद करा दी, यहाँ उद्योग विहीन हो गया। केवल आर्थिक रूप से महाकाल मंदिर एक व्यवसाय का कारण बना, बस मारती के पास भारतीय जनता पार्टी के बेच के खाते। कौन कह रहा है झूठ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है झूठ। आज हमारे यहाँ थोड़ा दूर 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 होकर आपकी बात रख, यूनिवर्सिटी बन रही है अवंती का यूनिवर्सिटी, हमने ग्रामीण को भी डेवलपमेंट करा है। आसामपुरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आसामपुरा वहाँ पे आज यूनिवर्सिटी लाए हैं हम, यूनिवर्सिटी ला के विकास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, आप लोग को देखा नहीं जा रहा क्या इनका विकास, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है और ये अभी भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है और ये आजादी के पहले से है, इसके अलावा आज तक कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं आया। ये देखिए कह रहे हैं आजादी के पहले के विश्वविद्यालय को आपने अपने खाते में डाल, ये तो पूछ ले। एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनके दुकान के सामने जरा सी गली थी। आज हमारी सरकार में हमारे महापौर ने उस रोड को चौड़ीकरण कराया तो इनका बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपका बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप सच बताएगा। मैं बिजनेस पूरा नोटबंदी के कारण पूरे देश का व्यापार व्यवसाय ठप हो गया। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि ये युवा लोग बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं, ये नशे से बोल रहे हैं, काला धन छिपा रखा था वो चला गया तो आपके पेट में दर्द। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ पर ये बताना चाहता हूँ कि होली दिवाली के रोज पूरे दिवाली पे पूरे बाजार में मद्दी का माहौल था।
मिठाई आराम से अपनी बात रखेंगे, आराम से पीछे से आ जाइए, पीछे से आ जाइए, आराम से आराम से आराम से आराम से पीछे से आ जाइए, पीछे से आ जाइए, पीछे से आ जाइए। ये कह रहे हैं कि आपने काला धन छिपा के रखा हुआ था, नोटबंदी की वजह से बाहर आ गया तो आपको बड़ा दर्द होने लगा। नोटबंदी की वजह से इनका जितना भी काला धन था कांग्रेस का बैंक में जमा हो गया है, इसलिए इनको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि पूरा काला धन जो छुपा के रखा था इन्होंने चुनाव में बांटने के लिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आपने देखा, ये इन्होंने जो नोट चुनाव जीतने के लिए छुपा के रखा था, नोटबंदी होते से ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए हैं। देख लीजिए यूपी तो आप लोग हार रहे हैं, और नोटबंदी से पैसा जमा हो गया बैंक में तो आप लोग, मैं ये तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बता पाए आज तक किस देश में एक आदमी का भी काला धन आया हो। तो ये यदि नोटबंदी की बात होती तो पूरे हिंदुस्तान की सारी बैंकों के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया जो पूरा का पूरा जमा हो गया, केवल 26 करोड़ रुपए ही वाला, कितनी झूठ बोलती है। क्या इनके घरों से निकला है? आप कह रहे हैं इनके घरों से आपके घरों से निकला कि नहीं? आपके घरों से निकला तो कुछ नहीं था, हम तो गरीब आदमी, भाजपा संघ के गरीब लोग हैं। आराम से आराम से आराम से। चुनाव के पहले कालाबंदी 8 नवंबर को की, वो क्यों की? कि अन्य पार्टियों का जो चंदा इकट्ठा था उस चंदे को वो सीधे बैंकों के माध्यम से जमा कर दे। केवल भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी राजनीति के तहत उत्तर प्रदेश चुनाव के एक महीने पहले 8 नवंबर को उन्हें नोटबंदी की। इससे किसको फायदा किसको नुकसान? आम नागरिक को, जो बेचारी गरीब जनता 2 पैसा 2-2 रुपया करके हमारी माता बहनों और गृहणियों ने इकट्ठा करा था, वो पैसे से वो निकल गया। आप जरा आप लोग बैठिए, आप आगे वाले बैठ जाइए, अब आगे वाले बैठ जाइए, पीछे जो लोग बैठे उनके पास भी चलना चाहिए, पीछे जो लोग बैठे बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, जल्दी। महाकाल मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है भाजपा वालों ने, इसलिए बाहर जा रही की। महाकाल की जमीन पर कब्जा कर लिया, है और महाकाल की जमीन पर किसने कब्जा किया? इसलिए आ रहे हैं इनके मंत्री भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, महाकाल के पास बेचते हैं 2000 भाजपा जा रहे हैं, इसलिए भाजपा आ रही। महाकाल राजा की जमीन पर मल्टी बना ली आरएसएस वालों ने और इन्होंने भाजपा वालों ने, पूछो इनसे। ठीक है, इस वक्त उज्जैन की जनता हमारे साथ मौजूद है जो बहुत जल्द फैसला करने वाली है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लोगों से जल्दी जल्दी से खड़े हो जाइए। शिवराज जी शिवराज सिंह जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आपकी बार 200 पार निश्चित तौर पर। आपकी बार 200 पार, ये कह रहे हैं आपकी बार 200 पार तो कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस बड़ी ताकत से जीत रही है और इनके जो मंत्री थे वो खुद नहीं आए, वो पूरे उत्तर के लोग नहीं आए, दक्षिण के लोग आए हैं यहाँ पर, उत्तर दक्षिण में। लेकिन तो बीजेपी काबिज थे, फिर कांग्रेस कहाँ है बताइए? उत्तर और दक्षिण और उज्जैन जिले की 7 सीट हम कांग्रेस की जीतेंगे। और ये किसानों का जो गोली 2013 में पूरी हार गए, नहीं इस बार पूरी जीत रहे हैं। जब हम पूरे हारे थे हम मानते हैं, पर अभी किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके के साथ जो पूरा अन्याय हुआ है उस पर आप जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी इस बार 7। भावांतर का पैसा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, भावांतर का पैसा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, कोई ऋण माफ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखिए उज्जैन के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उठाया जाना यहाँ से बेहद जरूरी है, और वही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे सीधे चुनावी मैदान से। चुनावी घमासान की बड़ी कवरेज उज्जैन से लाइव, एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी का बहुत स्वागत है, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? लगातार महाकाल की नगरी से आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसको मिलेगा, क्योंकि महाकाल के दर पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल उज्जैन की जनता हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए। उज्जैन के लोग अपने तीखे और सीधे सवालों के साथ तैयार हैं, और यहाँ पर 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से सोनू गहलोत जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र वशिष्ठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए।
देखिए कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को जीतने की चाल हर एक राजनीतिक दल की ओर से चली जा रही है, लेकिन उज्जैन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अपनी चुनावी सभा शुरू करने के पहले नेता यहां पर महाकाल के दर पर आते हैं, बाबा के सामने मत्था टेकते हैं ताकि उन्हें जीत का आशीर्वाद मिल जाए। वैसे आपको बताते चले 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां की कुल 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कठिन माना जा रहा है। बाबा महाकाल का किसको मिलेगा आशीर्वाद, यहां की जनता से हम पूछेंगे सवाल, लेकिन उसके पहले उज्जैन क्यों खास है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, यह रिपोर्ट देखिए। जहाँ चलती है महाकाल की सरकार, जहाँ मोक्ष दायिनी शिप्रा की गाथा है अपरंपार, जहाँ हर दिन मनाया जाता है त्योहार, महाकवि कालिदास की जिस कर्म स्थली को टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं नैन, मध्य प्रदेश की उस पावन धरती का नाम है जिला उज्जैन। अरे महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं का स्वागत है। त्रिकालदर्शी नगरी उज्जैन न सिर्फ आस्था की बल्कि सियासत की भी धुरी रहा है, और यही कारण है कि सियासत के दिग्गज जब भी उज्जैन में कदम रखते हैं महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। मौजूदा सियासी समीकरण देखें तो पूरा का पूरा जिला बीजेपी के रंग में रंगा है। जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, 2 सीटें शहरी हैं, 5 सीटें ग्रामीण, और 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। उज्जैन लोकसभा सीट पर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चिंतामणि मालवीय जीते थे, लेकिन जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान प्राप्ति हुई, न्याय के राजा विक्रमादित्य की उसी कर्मस्थली के साथ कई मामलों में पूरा न्याय आज भी नहीं हो सका। जिले का युवा बेरोजगार है, उद्योगों की कमी है जो पलायन का भी कारण है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बावजूद पर्यटन क्षेत्र का विकास लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ। ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाएं भी खस्ता हाल हैं। कब तक सरकार 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो चावल में लोगों का पेट भरते रहेगी? सरकार को युवा पीढ़ी को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद लाए और खुद खरीदे। बड़ा उद्योग डल जाए यहाँ पे तो उज्जैन की तरक्की हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की एक भी चीज है ऐसे नहीं है जो तुरंत अवेलेबल हो जाए। पर्यटन में तो उज्जैन बहुत ही पिछड़ा हुआ है। शिकायतों की फहरिस्त और भी लंबी है, लेकिन मुख्य मुद्दा रोजगार का है। चुनाव होने वाले हैं इसलिए मुद्दों पर वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। एक बार फिर जनता के हाथ में चाबी है। अब आप सीधे उज्जैन की जनता से जानिए कि वो क्या चाहते हैं, कौन बने उनका मुख्यमंत्री। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। भगवान महाकालेश्वर के साथ ही यहाँ की जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, जल्दी से ये बताइए कौन जीत रहा है। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर टक्कर इस बार बेहद दिलचस्प और कड़ी मानी जा रही है। उज्जैन में 7 सीटें हैं, इसी वजह से पहला सवाल ऊर्जा मंत्री यहीं से आते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऊर्जा भर पाए यहाँ के लोगों में। देखिए कड़ा मुकाबला इस बार, कांग्रेस दे रही है टक्कर जोरदार तरीके से बीजेपी को। निश्चित रूप से इस चुनाव में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस किसी टक्कर में नहीं है, और हमारे जो शिवराज जी का जो कद है उसके मुकाबला ना तो महाराजा का कद है और ना ही उद्योगपति का कद है। हमारे शिवराज जी के कद के बराबर, उनकी पांव की जूती के बराबर है। नहीं, पांव की जूती मत बोलिए, ये बताइए टक्कर दे रही है क्या कांग्रेस? वो तो कह रहे हैं आप लोग मुकाबले में ही नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, 150 सीटों से ज्यादा इस बार कांग्रेस। आप भी दक्षिण से उम्मीदवार हैं, जीतेंगे बचा पाएंगे? 1001% जीतेंगे। क्या किया है ऐसा कि जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? हम 15 साल का भाजपा से हिसाब मांगते हैं। अरे आपने कौन से मुद्दे उठाए हैं दक्षिण में जाकर कि वहाँ की जनता आपको चुने? उठाए आज आप भारत देखो, उज्जैन की 500 करोड़ रुपए खर्च किए नर्मदा मैया लाए, और शहरवासी प्यासे रहे, कहाँ है नर्मदा मैया? जवाब दीजिए। छपरा नदी इतनी साफ साफ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी गंदगी है उसमें, और नर्मदा मैया का भी कोई कल्याण नहीं हो पाया है। इस देश पर
और मध्य प्रदेश पर 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को शिप्रा नदी की दुर्दशा पर जवाब देने का, सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में लिखित में जवाब दिया है कि नर्मदा का पानी शिप्रा में ला नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा का पानी शिप्रा में लाए। लोग तो कह रहे हैं कि कलश भर के ले आए और डाल दिया, कलश भर के लाए और डाल दिया। नर्मदा का पानी कहाँ है? 400 करोड़ रुपए कहाँ है? 400 करोड़ रुपए कहाँ है? 400 करोड़ कहाँ है? उसके नाम पे 500 करोड़ रुपए खा गए, पानी नहीं आया। पहले 400 या 500 आपस में डिसाइड कर लीजिए, 400 या 500 बताइए आप क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं को यही नहीं मालूम है, कभी राहुल गांधी बोलते हैं राफेल में 1500 करोड़ का घाटा हुआ, कभी 1400 करोड़, और अभी आपके सामने 100 करोड़। आप कंफ्यूज कितना कंफ्यूज है कांग्रेस की। इनकी सीधी बात है, इनके शीर्ष नेतृत्व से लेके निचले स्तर तक व्यक्ति कंफ्यूज है। इनको ये नहीं मालूम है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कंफ्यूज है कांग्रेस के लोग, कंफ्यूज है क्या कांग्रेस को लोग, कंफ्यूज है। देखिए, हम उज्जैन उत्तर विधानसभा में खड़े हैं, उज्जैन उत्तर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री जी हैं, पारस जैन जी ऊर्जा मंत्री, पारस जैन काफी लंबे अरसों से वो जीत तैयार है, 15 सालों से, वो यहाँ पांच बार जीते हैं वहां से, वो यहाँ क्यों नहीं आए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। शिप्रा नदी गंदी, उद्योग धंधे बंद, कपिला गौशाला में गौमाताएं मरी, सड़कों पे जानवर मनुष्यों की हत्याएं कर रहे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, कैसे जीतेगी बीजेपी भाई, इतने सारे मुद्दे गिना रहे हैं वो। ये इनकी सब बकवास बातें हैं, आप इनसे पूछिए 15 साल से हम सरकार में क्यों है, जनता हमें क्यों चुन रही है भैया, ये भी बड़ा सवाल है। चले मंच पर चलते हैं, 15 सालों से जनता क्यों चुन रही है लोगों को, अगर इतने ही घपले घोटाले यहाँ पर हो रहे तो। इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है, पहले बिना ताकत के उतरती थी, आज इस बार। और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, हम विशेषकर उज्जैन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ से 15 साल से कैबिनेट मिनिस्टर है, सारे उद्योग धंधे बंद। अरे वो उत्तर दक्षिण 15 साल से जीत रहे हैं, आप लोग हैं कहाँ, यही तो सवाल पूछ रहे हो। इतने हम इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है मैडम, बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जरा सोनू जी ये बताइए, आपके भी दिल का दर्द तो है ना, आपको भी टिकट नहीं मिला, आपने भी बड़ी नाराजगी जाहिर की। ये भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक से बढ़कर एक अच्छे कार्यकर्ता है। अरे आपने इतनी मेहनत की, उसका फल नहीं मिला, ये पूछ रही हूँ मैं। पार्टी ने सबको मौका दिया है, और जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, राजेंद्र वशिष्ठ जी के चेहरे पे सिकन है, इनके क्षेत्र से जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो आज बैठने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों को पार्टी से आज बाहर किया है। बताइए कांग्रेस पार्टी तो ऐसी ही है ना, मतलब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी है उसको टिकट, कोई दिग्विजय सिंह का करीबी है उसको टिकट, जो आपका कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है इतने सालों से उसको आपने दरकिनार कर दिया। मैडम ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस को गुटों में वो कह रहे हैं आपके चेहरे पर शिकन है, वो सब झूठ। मैं सुबह 6 बजे से निकला हूँ, उनको टिकट नहीं मिला, वो सो के आ रहे हैं, मैं 6 बजे से संपर्क कर रहा हूँ, गरीबों के बस्तियों के बीच में हूँ। आपको टिकट नहीं मिला, आप सो कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 6 बजे से जनता के बीच में हूँ। निश्चित रूप से राजेंद्र वशिष्ठ जी किसके फॉलोअर है, जिसने 10 साल तक इस मध्य प्रदेश को गड्ढे के अंदर डुबाया है। नाम बताइए, नाम बताकर बोलिए, ऐसे गोलमोल नहीं, नाम बताइए। हम उनका नाम भी लेते हैं, मिस्टर। और जो उज्जैन उत्तर के हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो आम जनता से जुड़े हुए नहीं है, उनके जो आका है, जो महलों में पढ़े लिखे हैं, महलों में बड़े हैं, वो आम जनता की समस्या क्या जानेंगे। आम जनता की समस्या नहीं जानेंगे, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर अपने अपनों को टिकट दे दिया गया है, कार्यकर्ता नाराज है दोनों ही पार्टियों के। पीछे से बताइए सर, क्या है सवाल आपका? सवाल बताइए, आपका क्या सवाल है बताइए, विकास हुआ है यहाँ का नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ है, और आपको बता दें पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, जनता ने चुना है, इन कांग्रेसियों को निकम्मियों को केवल बीजेपी की बदनामी करना है सब। ठीक है, ये कह रहे हैं कि निकम्मे है कांग्रेस, कुछ करते ही नहीं है, जीतेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस के राज में एक सुई नहीं मिलती थी मरीजों के लिए, आज इतने अस्पताल बनाए, 1 रुपया किलो गेहूं मिल रहे हैं, पूरे प्रदेश में गरीब खुश है। देखिए बोल रहे हैं रामराज आ गया है, रामराज आ गया है।
विकास केवल व्यापम घोटाला है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। शिप्रा का जल देखो, कोई विकास नहीं हुआ, बड़ी बड़ी योजना बनाई है और पैसा ढकाल लिया। व्यापम का घोटाला ये गिना रहे, इसी का विकास भारत दादा इस बार आराम देंगे, वो बीजेपी वाले खुद आराम देंगे। और इस बार बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही है। बीजेपी कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, सही जवाब तो दो। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस वो बीजेपी वाले भारत दादा को खुद आराम देंगे। जिस प्रदेश के अंदर किसको ठीक करेंगे, आपके कान में मेरे बोला ठीक करता हूँ, बताइए किसको ठीक करेंगे, पहले ये बताइए। शिवराज सिंह चौहान को और उनका पूरे मंत्रिमंडल को, जो पूरे भ्रष्टाचार में सलीक आप ठीक कर देंगे। प्रदेश के इतिहास के अंदर ऐसा हुआ, जिस मध्य प्रदेश के मुखिया के ऊपर FIR दर्ज हुई है डंपर कांड, और तो और हाईकोर्ट से जितने भी इनके मंत्री है व्यापम घोटाले के अंदर कितने मंत्री जेल गए आपने देखा होगा। बिल्कुल, व्यापम भी एक बड़ा मुद्दा, लेकिन कांग्रेस भुना पाई है क्या इस मुद्दे को, जनता के बीच असर पड़ा है इसका। सबका विश्व का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला, जिसमें 45 लोगों की हत्या चुकी है। इनका मंत्री जो लक्ष्मीकांत शर्मा था उसको निलंबित कर सिरों से टिकट नहीं दिया, और वापिस वो स्वागत कर रहा है शिवराज सिंह का। चलिए बीजेपी से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, व्यापम घोटाला गिना रहे हैं आप लोग, किस मुंह से कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करती है बीजेपी यह पार्टी। व्यापम घोटाले को लेकर कितने साले सवाल वहां पर पूछे गए, जो भ्रष्टाचार के आखंड डूबे हुए हैं कांग्रेसी, उनको यह प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। और जहां तक व्यापम की बात है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं है, एक भी शिकायत दर्ज नहीं है। उल्टे उन्होंने जिन्होंने गड़बड़ की थी उसमें कांग्रेस के नेता सम्मिलित है, कई नेता सम्मिलित है, कांग्रेस के नेता सम्मिलित है व्यापम में। फिर आप लोग किस मुंह से व्यापम की बात कर रहे हैं। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल इन्वॉल्व है, भाजपा की पूरी सरकार घोटालों की सरकार है। मैडम आप बताइए, इतने 45 लोगों की करीब हत्या हुई है, आज मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। आज ये बताइए आपकी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी से हमारे साथ एक महिला मौजूद है, यहाँ पर जितने भी लोगों की मौजूदगी है एकमात्र ये महिला है। मैम वो व्यापम घोटाले गिना रहे हैं, किसानों की मौत का मुद्दा, उनकी आत्महत्या का मुद्दा भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में, बीजेपी ने किया क्या फिर यहाँ के लिए। व्यापम घोटाले में माननीय शिवराज सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, ये किसी तरह का आरोप शिवराज सिंह के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो शिवराज सिंह ही। और किसानों का जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों के लिए 45 लाख उन्होंने उनके खाते में डाले हैं, किसान किसी तरीके से परेशान नहीं है। परेशान नहीं है फिर मंदसौर में गोलियां क्यों चलती है किसानों के ऊपर, किसानों के ऊपर कोई मजदूर और किसानों के ऊपर गोलियां नहीं चली है। सच बोलिएगा बोल रहा हूँ, किसानों के जो है कांग्रेस के लोगों ने उनको भड़काया है, और उनमें लिप्त कांग्रेस के, और मैं जो दक्षिण के प्रत्याशी हैं ये भी एक किसान है और बहुत बड़े किसान है, इनसे अगर पूछे कि जो हमारे शिवराज सिंह जी ने, किसान को वोट मिलेगा फिर इस बार, किसान को वोट मिलेंगे और मतलब वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कौन जो किसान कांग्रेस के प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं को जीतेंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। आपने कहा वो किसान है, वो बड़े किसान हैं, पर उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह की जो योजना है क्या उनको लाभ नहीं मिला, क्या आपको लाभ नहीं मिला है, इस सवाल के जरिए मैं जानूंगी जवाब। बताइए सर, आप अपनी जगह पर पीछे बैठिए, इतनी सारी कुर्सियां हैं, पीछे बैठिए आगे नहीं पीछे, गलत बात है, अपनी जगह जाइए। CBI इनकी अभी पूरे देश में CBI को देखा है, व्यापम की जांच। अरे CBI को आप लोगों ने भी तो तोता बना के रखा था भाई, वो कर रहे हैं, दोनों तो एक ही हुए हैं ना सर। फिर तो CBI को तो इनने तोता भी कहाँ बना रखा है, इनने तो मार के पटक दिया है, आपने तोता बनाया इन्होंने मार के पटक दिया। शिवराज की सरकार ने किसानों को गोली मारी है मंदसौर के अंदर, यह किसान विरोधी सरकार है। पूछो से अपनी जगह पे चले, अपनी जगह। मैडम ये विज्ञापनों की सरकार है, काम कुछ नहीं किया इस सरकार ने, विज्ञापन करती है खाली विज्ञापन, जनता का पूरा पैसा, टैक्स का पूरा पैसा केवल विज्ञापन में। आज भी देखिए आप, 10 विज्ञापन आधे घंटे में 10 विज्ञापन आते, पैसा कहाँ से ला रहे हैं लोग, पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं ये बड़ा सवाल है। जगह दीजिए, पीछे जान दीजिए, नहीं पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग बैठिए, जगह दीजिए, पीछे जान दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज नहीं उठ पा रही है, पीछे बैठिए। आ रही हूँ। बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा उज्जैन का क्या है। मैडम मुद्दा उज्जैन का कुछ नहीं, आगे से आप लोग कैमरे के आगे से, मैडम सिंह सुहा
कांग्रेस का कोई आदमी नहीं था, बीजेपी ने काम किया। मैं आम नागरिक हूं, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैंने देखा है केवल और केवल बीजेपी ने काम किया, काम किया है बीजेपी ने, काम किया। मैं किसानों का प्रश्न है, राजू राजू सबको सबको मौका मिले, सबको मौका मिले, बताइए। किसानों का प्रश्न है, माननीय राजू वशिष्ठ जी और एमपी वशिष्ठ साहब, जिला सहकारी बैंक में 25 साल तक राज किया इन्होंने, जिस समय किसानों को 18% ब्याज भुगतना पड़ता था, उन समय पिता पुत्र की सरकार क्या थी जिला पंचायत में? माननीय मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे एमपी वशिष्ठ साहब, आज किसानों का हितेश मंत्र है, जवाब दे, 25 साल में क्या किया? इसका जवाब मैं लूंगी, बताइए बताइए। आधे आधे घर में 200 रुपए में ये कांग्रेसी लाइट जला रहे हैं और शिवराज जी की बुराई करते हैं। संबल योजना पे इनके घर में माननीय मुख्यमंत्री जी की और ऊर्जा मंत्री की 200 रुपए में लाइट जलाते हैं, ये कांग्रेसी लोग और उनकी सरकार की बुराई करते हैं। आप क्या रहे कि बीजेपी ने बहुत कम किया, आगे से हटिए अपने अपनी जगह पर, बताइए। थोड़ा पीछे चलिए ना, पीछे चलिए, गलत बात है, अपने अपनी जगह पर रहिए। मैं आ रही हूँ, बताइए क्या है सबसे बड़ा मुद्दा उज्जैन का, क्या है जिसको बीजेपी ने एड्रेस नहीं किया? जो 12 ज्योतिर्लिंग में जो महाकाल मंदिर है वहाँ पे संघ ने कब्जा कर लिया है, वो भस्मा आरती के पास बेचे हैं बीजेपी के लोग। किसानों को लेकर कांग्रेस ने जो कहा है कि सरकार बनते ही कर्जा माफ कर दिया जाएगा, आपको लग रहा है फायदा होगा? फायदा होगा कि कांग्रेस? मैडम सबसे बड़ी बात है, मेरी बात सुनिए, किसानों के कर्जे की बात करते हैं, पंजाब में 28,000 करोड़ का कर्जा इन्हें माफ नहीं किया, 2,500 करोड़ का कर्जा माफ किया, एक कर्जे की बात करते हैं किसानों का। कांग्रेस गलत बोल रही है, गलत बोल। पहले पंजाब का जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ का कर्जा माफ करे, माफ करना, पहले जहाँ सरकार है वहाँ का माफ करे, फिर यहाँ की बात करे। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे छात्रों का व्यापक घोटाला है, उसमें जिस सीबीआई अधिकारी ने इनकी सरकार को क्लीन चिट दी है वही। ये बताइए आप कौन से मंदिर होकर आ रहे हैं, कौन से मंदिर होकर टीका लगा रखा है आपने, कौन से मंदिर होकर आ रहे हैं? मैं महाकाल मंदिर जाता हूँ, नियमित जाता हूँ रोज महाकाल मंदिर। ये बताइए राहुल गांधी भी महाकाल का आशीर्वाद लेने गए थे, अमित शाह भी महाकाल का आशीर्वाद लेने गए थे, आशीर्वाद किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? राहुल गांधी को आशीर्वाद मिलेगा, वो किसान हितैषी है और आम जन का हितैषी। आपको दोनों नहीं चाहिए, कौन है? इसलिए नहीं चाहिए कि दोनों सरकार अयोध्या के मामले में कभी एक नहीं हुई, एट्रोसिटी एक्ट बनाने में सारी पार्टी एक हो गई, तो उसमें सामान्य व्यक्ति के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दोनों में से कोई एक ही तो चुनना पड़ेगा ना, तीसरा विकल्प क्या है? दोनों को नहीं चुन, क्या है विकल्प? दोनों को नहीं चुनेंगे मैडम, इस पे बटन किस पे दबाएंगे? चाहे नोटा दबाए लेकिन दोनों को नहीं देंगे, दोनों को नहीं चुनेंगे, चाहे नोटा पर। आराम से मुद्दा आज मेरी बात सुनो, उज्जैन का सबसे बड़ा मुद्दा है उद्योग धंधे, यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, सातों की सातों मिल, इनका ऊर्जा मंत्री 7 साल से इनके सांसद जो कैबिनेट मंत्री थे सरदान जटिया वो 7 बार जीता यहाँ से, यहाँ की सारी उद्योग धंधे सारी मिले सब बंद, यहाँ की हल्ला नहीं सर, हल्ला है। आप इतने नारेबाजी कर रहे हैं, सातों विधायक आपके हैं, अरे दूर जाने की जरूरत ही ना, नदी देख लीजिए छपरा नदी का पानी, आप लोग को शर्त नहीं आती है इस तरह की बातें, क्या बात कर रहे? अभी मैंने पानी देखा, पानी साफ है मैडम, लेकिन क्या झूठ प्रकार से आपके बीच में गंदा पानी लगा के दिखाते हैं? ये लोग पानी लेकर आए थे, बोतल लगा के आते, राहुल गांधी को दिया पानी की बोतल, राहुल गांधी को दी झूठे पानी बोतल, मैंने देखा पानी, आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं लोग, आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं? सरकार रिजर्व बैंक के यहाँ कर्जे में डूबी हुई है, 1,92,000 करोड़ मध्य प्रदेश का कर्जा है, ओवर ड्राफ्ट चल रहा है, किसानों की हत्यारी 6 जून को किसानों के स्वतंत्र भारत के अंदर किसानों की हत्या हुई। ये पानी लेकर आ रहे हैं आप, कुछ मिला है इसमें? ये कुछ ये सिपरा नाले का तो नहीं है, अभी हाल लेके आ रहा हूँ, यही का पानी और आपके कैमरे मैन को पूछा के छिपरा नदी का है, नदी का पानी है? हाँ नदी का पानी है, ये नदी नाले का, आप भर के लाओ, आराम से ये नाले का पानी है, ये नाले का पानी है, वो कह रहे नाले का पानी है, आप क्यों जबरदस्त? चलो अभी मैं भर के लाता हूँ, आप कैमरा पहुँचाइए, मैं लेके आता हूँ, अभी हाल लेके आता हूँ, ये नाले, आराम से छिपरा नदी का पानी गंदा है, ये बात सच है, मैं खुद देख रही हूँ। नहीं एक एक करके झगड़ा नहीं, आराम से अपनी बात, नारे की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान खुद की सीट नहीं बचा पा रहे, कौन खुद की सीट नहीं बचा पा रहे? शिवराज सिंह चौहान बुधनी से वो भगते फिर रहे बुधनी में, क्या हमारी सीट बचा ले? अरुण यादव के सामने डर गए, शिवराज सिंह चौहान खुद की सीट बचाने पर, शिवराज जी के सामने इन्हें हराने के लिए भेजा अरुण यादव को, दिग्गज नेता को भेजते हैं वहाँ पे, भेजा अरुण यादव को गलाने के लिए। आराम से सर, झगड़ा नहीं करेंगे, गलत बात है, पीछे चलिए सर, गलत बात है, आइए, आराम से बताइए, आराम से झगड़ा। ये कांग्रेस वाले 50 साल शासन किया, भारतीय जनता पार्टी ने
15 साल शासन किया, उज्जैन के अंदर एक जमाना था जो 5 तारीख के दिन अच्छा काम किसने किया, दिवाली मनती थी और 15 तारीख को दशहरा मनता था। आज उज्जैन की सारी मिल बंद, लेकिन इसके बाद भी उज्जैन में 2 उद्योग बचे हैं, एक बाबा महाकाल, दूसरी शिप्रा। यहाँ हजारों आदमी प्रतिदिन अस्थियां खमाने काल सर्प दोष करने आते हैं, लेकिन उनके लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर मिलों को बंद करा दिया गया है, पर्यटन का विकास सही तरीके से किया नहीं गया है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। एक आखिरी कमेंट ये बताइए, जीतेगा कौन से शिवराज सिंह की सरकार जीतेंगे, कौन जीत, शिवराज सिंह चौहान कौन जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगा कौन, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान कौन जीतेगा, कौन जीत, शिप्रा नदी में कान्हा ड्राइवर्ड का पानी इंदौर नगर से आया। वक्त हमारे पास इतना ही है, वक्त हमारे पास इतना ही है, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, देखिए कुल मिलाकर भगवान महाकाल की नगरी है, पर्यटन के लिहाज से भी बहुत पीछे पड़ी है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। अब आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर, फिलहाल उज्जैन से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी मध्य प्रदेश के रतलाम से जरूर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।